नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और अब खेल का केंद्र में बातचीत करेंगे चेन्नई टेस्ट मैच की। इंग्लैंड की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और ये टेस्ट मैच है भारतीय टीम के लिहाज से बेहद अहम। भारतीय क्रिकेट फैंस और ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस बल्कि भारत की टीम का हर एक खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहता है और उसकी पहली शर्त है कि भारतीय टीम इस सीरीज में जो मौजूदा टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें इंग्लैंड को दो टेस्ट मैच ना जीतने दे। पहला टेस्ट मैच आप जानते हैं इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है, अब दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले वो कौन सी तीन बड़ी बातें हैं जो भारतीय टीम को ध्यान में रखनी चाहिए, विराट कोहली को ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जो सरदर्द है भारतीय टीम का वो ये कि पिछले जो 5 टेस्ट मैच की 10 पारियां खेली गई हैं उसमें भारतीय टीम की तरफ से लगा है सिर्फ एक शतक। 10 पारियां और सिर्फ एक शतक, कैसे हुआ ये आप याद कीजिए। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एडिलेड टेस्ट मैच में बुरी तरीके से हार गई थी। उसके बाद मेलबर्न टेस्ट में जब विराट कोहली कप्तानी छोड़कर अपने पारिवारिक वजहों से भारत लौट आए थे वापस, तब अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की कमान संभाली थी और वहां उन्होंने लगाया था एक शानदार शतक। और मेलबर्न टेस्ट की जीत के वो हीरो भी थे और जीत की वजह भी वो शतक था। इसके बाद भारतीय टीम सिडनी में टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब रही। उस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत इतिहास रचते रचते रह गए जब वो शतक के बहुत करीब पहुंचे लेकिन शतक बना नहीं पाए। अगला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में था, वहां भी ऐसा ही हुआ, ऋषभ पंत भी शतक के करीब पहुंचे, वॉशिंगटन सुंदर शतक के करीब पहुंचे लेकिन इनमें से कोई शतक बना नहीं पाया। अब अगर आपको ये लगता हो कि शतक सिर्फ एक व्यक्तिगत माइलस्टोन है, इंडिविजुअल माइलस्टोन है, इससे जीत या हार नहीं होती, तो मैं शतक के कुछ मायने बताता हूँ। शतक का मायने सिर्फ 3 डिजिट में पहुंचना नहीं होता है, शतक एक पार्टनरशिप की बदौलत बनता है। जब आप क्रीज पर होते हैं तो आपके दूसरे छोर से खिलाड़ी भी रन बना रहा होता है और वो एक पार्टनरशिप बनती है। शतक एक खिलाड़ी के आत्मविश्वास के लिए होता है, शतक विरोधी टीम के ऊपर दबाव बनाने का काम आता है और शतक काम आता है स्कोर बोर्ड को बढ़ाने में। तो ये जो 10 पारियों में सिर्फ एक शतक बना है इस पर टीम इंडिया को ध्यान देना होगा। और ख़ास बात ये भी है कि कम से कम 6 ऐसी पारियां हैं जिसमें शतक भारतीय टीम के बल्लेबाज बना सकते थे। 80 से ज़्यादा रन की वो पारियां थी लेकिन वहां भारतीय बल्लेबाज चूक गए और उसी वजह से वो जो स्कोरबोर्ड पर रन आने चाहिए थे वो रन नहीं आए। दूसरी एक वजह और है जो मुझे लगता है बहुत काम आने वाली है इस मैच में, वो है स्पिन गेंदबाज। अगर आप इस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट में दूसरी सीरीज चल रही है पाकिस्तान वर्सेस दक्षिण अफ्रीका की, उस सीरीज़ को आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान ने खेला कराची में, उसमें 14 विकेट लिए थे पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। यासिर शाह तो चलिए अनुभवी गेंदबाज हैं लेकिन नौमान अली का डेब्यू मैच था लेकिन दोनों ने 7-7 विकेट लिए। इसके अलावा अभी T20 मैच जो खेला गया, जो 3 T20 मैच का सीरीज का जो पहला मैच था उसमें भी स्पिन गेंदबाजों ने जो 4-4 ओवर का कोटा किया पाकिस्तान के, उसमें सिर्फ 21 रन दिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान को बाद में गेंदबाजी करनी थी, ड्यू फैक्टर था, लेकिन उसके स्पिनर्स ने बेहतर परफॉर्म किया। जबकि अगर आप बात को घुमाकर अब वापस भारत के खेमे में आएं तो चेन्नई टेस्ट जो पहला खेला गया उसमें अगर आप आर अश्विन को हटा दें तो दोनों जो स्पिनर्स थे यानी शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर, वो कारगर साबित नहीं हुए। अगर आप विकेट के लिहाज से बात करेंगे तो शाहबाज नदीम को 4 विकेट ज़रूर मिले थे लेकिन अव्वल तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए थे, 4 की इकोनॉमी से, और दूसरा उन्होंने नो बॉल बहुत ज़्यादा फेंकी थी जिसको देखने के बाद सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि वो अभी अपने आत्मविश्वास से दूर हैं। वॉशिंगटन सुंदर निश्चित तौर पर बल्ले से कामयाब रहे लेकिन गेंदबाजी में तो उनको एक भी विकेट नहीं मिला। पहली पारी में उन्होंने बाकी दोनों स्पिनर के मुकाबले लगभग आधे ओवर ही किए थे और दूसरी पारी में तो उन्हें सिर्फ 1 ओवर फेंकने को मिला था। तो जो वर्कलोड था स्पिनर्स का वो सही तरीके से नहीं बटा, इसका ध्यान रखना होगा विराट कोहली को दूसरे टेस्ट मैच में। तीसरी बड़ी बात, स्पिन गेंदबाजों का ही दूसरा पहलू यानी भारतीय बल्लेबाज जब स्पिनर्स का सामना करें तो उन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना होगा। पिछले मैच में जैक लीच और डॉम बेस ने काफ़ी परेशान किया था। भारतीय टीम परंपरागत तौर पर मानी जाती है कि बेहतर स्पिन के ना सिर्फ गेंदबाज होते हैं बल्कि बल्लेबाज भी ऐसे होते हैं जो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस परंपरागत पहचान पर पिछले कुछ समय में बीच बीच में चोट लगती रही है और ये टेस्ट मैच यानी जो इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच है वो इस पर भी परखा जाएगा कि भारतीय टीम के स्पिनर्स किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और भारतीय टीम के बल्लेबाज विरोधी टीम के स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। तो ये 3 बड़ी बातें जिससे दूसरा चेन्नई टेस्ट जो है उसमें भारतीय टीम की जो भविष्य है उसका रास्ता निकलेगा।
5 दिन के टेस्ट मैच के बाद।